मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। शुभम जी काफी हैंडसम लग रहे हैं आज आप। ओह माय गॉड, कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल। जी बोलिए। शुभम जी बचपन से जब छोटा पैदा हुआ तो उसने बोला बड़ा ही स्मार्ट बच्चा है। खैर ये सब आपका प्यार है, आप लोगों का दुलार है। नमस्कार, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को शुभम तिवारी का बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग डबिंग कंप्लीट करने के लिए कागार पर हैं। मैं और आनंद जी बैठे हैं, मेरे फिल्म के डायरेक्टर। बहुत खुशी होती है जब एकदम धुआंधार डायरेक्टर जो अपनी सोच को लेकर चलता है और वो सिनेमा बनाता है और उसके सिनेमा उनकी सोच के अनुसार स्क्रीन पे जब दिखाई देता है तो बहुत खुशी होती है। जी फिल्म के बारे में जानना चाहूंगी, कौन सी फिल्म है और शुभम तिवारी किस तरह के किरदार में इस बार दर्शकों के बीच आएंगे? सबसे पहले तो मैं वाकई में आनंद जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और इनका कहना था कि भैया, मैंने उनसे पूछा था कि आनंद जी आपने मुझे ही क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे ना ऐसा लगना चाहिए था कि एक साउथ का हीरो चाहिए जो एकदम धड़ाधड़ ऐसे ये स्टाइल वो स्टाइल करके। और आपका मूछों का स्टाइल अभी तो नहीं है क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट के लिए निकाला हुआ है मूछ, तो लेकिन वो आपको मुझे वो स्टाइल चाहिए। और बिलीव नहीं करेंगे, मैं इसलिए इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि हम दोनों साथ में काम करें, बल्कि इसलिए मैं कह रहा हूँ आनंद जी को कि आनंद जी ने ना कम से कम 25 से 30 दिन सिटिंग किया था इस बैठकर इस प्रोजेक्ट के लिए सिटिंग किया था कि कैसे स्क्रिप्ट होगा, क्या होगा, किरदार में कैसे इन्वॉल्व हो। और जब तक इनको किरदार नहीं मिलता है प्रॉपर तब तक ये उसको टेक नहीं करते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी, ये फिल्म का नाम है बबली के बारात। बबली की बारात नहीं है, बबली के बारात। वो इसलिए क्योंकि हमारे भोजपुरिया दर्शक को देखते हुए फिल्म बनाया गया। और शुभम तिवारी का बिगिनिंग से ही ये स्टाइल रहा है, अपना एक स्टाइल रहा है मेरा कि मैं हर वक्त साफ सुथरे सिनेमा करूं, अच्छे सिनेमा करूं जिसे पूरा परिवार देखे, पूरे घर के लोग देखे। एक मेरी अपनी यह खुद की ख्वाहिश रही और चॉइस रही है। और आनंद जी ने उस किरदार के लिए मुझे चुना। इस फिल्म के अंदर उन्होंने शुभम तिवारी ही रखा है, मेरे किरदार का नाम शुभम ही रखा है। सो थैंक यू सो मच आनंद जी, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और इसकी जो पटकथा या उसकी कथा पूरी भोजपुरी स्टाइल से है। और मुझे लगता नहीं है कि काफ़ी सालों से घर और खरिहान और जितना बाग बगीचा गायब हो गया है। हाँ, भोजपुरी कल्चर प्रॉपर वर्ड जी, वो गायब हो गया, वो इस फिल्म में पूरा दिखाई देगा और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। देखिए, खास वजह कोई नहीं होती है किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने की, बस वो आर्टिस्ट हमारे करेक्टर के लिए फिट होना चाहिए। शुभम भैया के साथ मैंने एक बहुत पहले फिल्म की थी बहुरानी, जिसमें मैं पराग जी के साथ असिस्टेंट था। फिर तब से शुभम भैया से जान पहचान हुई, आदमी तो अच्छे हैं, दुनिया जानती है, मतलब आप लोग भी जानते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने जब बबली के लिए स्क्रिप्ट की मैंने प्लानिंग किया, मेरे दिमाग में आया, फिर प्रोड्यूसर जब हमारे साथ जुड़े तो फिर ये होने लगा कि इस करेक्टर के लिए सबसे बेटर कौन है इंडस्ट्री में। ये कोई बाउंडेशन नहीं था कि किसके साथ काम किया जाए, तो फिर मेरे दिमाग में एक आया कि नहीं, इसके लिए तो शुभम भैया सबसे फिट है। और वाकई शुभम भैया और हम जो स्क्रिप्ट पे बैठे और एक महीना कंटिन्यू डेली बैठते रहे, करेक्ट करेक्ट, हम शुभम जी और भी हमारे क्रू मेंबर जो हमारे असिस्टेंट थे, एक हमारे साथ राकेश सर थे जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं बेसिकली, और सर के साथ हम लोग बैठ के एक अच्छा स्क्रिप्ट प्लान की और यहाँ तक हमने सिनेमा को लेके आए हम। बाकी तो अब सिनेमा देखने के बाद ही। शुभम जी कैसे डायरेक्टर हैं, सेट पर कैसे होते हैं आनंद जी? बहुत कूल, बहुत मजाक, बहुत मस्ती। अरे भैया हो जाए, टेंशन मत लीजिए, अरे भैया ये हो जाएगा। मतलब एक एक्टर को हर वक्त एनकरेज करने के लिए ज़रूरी है कि डायरेक्टर कूल होना। हाँ, इतना है कि अगर इनको सीन उनके हिसाब से नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद उस पिक्चर को जी रहे हैं और ये हक है उनका कि जब डायरेक्टर को उसके हिसाब से सीन नहीं मिलता है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये परफॉर्म करके बताते भी हैं कि देखिए ऐसे करना है, ये मेरे सीन की रिक्वायरमेंट है। तो मज़ा आया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें बहुत मज़ा आया और हमने झारखंड में इंटीरियर पार्ट में जाकर इसको शूट किया है। और एक बात मैं बता दूँ, अगर टीम हमारी हमारे साथ नहीं होती, टीम मीन्स हमारा पूरा क्रू मेंबर, टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय, चाहे जितने लोग हम 70 से 80 लोग सेट पे थे, लेकिन सबने जो हेल्प किया हमारा, खास करके बबली की बारात बनाने के लिए, तो वो मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ या उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी शुभम भैया, हमारे जितने स्टार मेंबर थे, शुभम भैया, अवधेश जी, बालेश्वर जी, जितने लोग थे, सबने बड़ा हेल्प किया मेरा।
वो क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग शूटिंग करने जाते थे, समय शादी का माहौल था, शादी का गाड़ियां नहीं मिलना, एक ही बस में कैसे एडजस्ट करना, सबसे सारी चीजें है ना। बारात की शूटिंग हो रही है तो हाँ, लोग बोलते, लोग वहाँ के बोलते ही थे कि लगा था कि बबली की बारात होता है। अच्छा, बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग जब बस से, कभी कभी बस से हम लोग का जाना होता था 30 से 40 किलोमीटर का लोकेशन होता था और खूब इंजॉय, मतलब ऐसा कोई नहीं लगा कि अच्छा। सबसे बड़ी बात, शुभम भैया ऐसा तो नोन पर्सन है, दुनिया जानती है कि नहीं शुभम तिवारी, शुभम तिवारी, लेकिन ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं रहा इनका कि मुझे तो लगा कि नहीं, बहुरानी में भी नहीं था भैया का, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता आर्टिस्ट परेशान हो जाता है डायरेक्टर से कि अरे यार 12 बजे कैमरा ओपन करते हो, फिर ये करते हो, फिर ऐसा करते हो, फिर एक ही सीन में पूरा दिन चला जाता है, कैसे शेड्यूल कम्प्लीट करोगे, ये है वो है। लेकिन इतना सहयोग रहा कि हमने में भी जिस शेड्यूल पे हम गए थे सिनेमा बनाने, उस शेड्यूल पे कम्प्लीट करके और लौटे। करेक्ट है, करेक्ट। शुभम जी, जी जो बबली है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बबली जो इंडस्ट्री की है, हाँ हाँ, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की है। हाँ। और ये सिलेक्शन नो डाउट, ये इसकी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बबली की तलाश बहुत ही अलग तरीके से हुई इस फिल्म के अंदर, और बबली ये इंपॉर्टेंट बहुत वर्ड है, और वाकई में इस बबली का जो किरदार की है प्रीति शुक्ला, वाकई में शुक्रगुजार आनंद जी का होना चाहिए कि उन्होंने इतने सारे हीरोइनों को रिजेक्ट करके उन्होंने बबली को चुना। और नहीं, रिजेक्ट इट मींस कि आपके किरदार के अनुसार, जैसे आपने शुभम तिवारी को, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बबली की सिलेक्शन की, और वो फिल्म के लिए हमारे हिसाब से, जो क्योंकि मेरी वो को स्टार थी, तो मेरे हिसाब से बबली का उन्होंने जो सिलेक्शन किया, उनके लिए मैं आनंद जी का थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किरदार चुना, और प्रीति शुक्ला ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, परफॉर्म बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा बबली चाहिए थी, जो बबली चाहिए थी वो मिली उन्हें। अच्छा, अपने फिल्म के सारे किरदार, सारे किरदार, अवधेश भैया लीजिए, अवधेश भैया लीजिए, मटरू जी लीजिए, वो अपना छोटा छोटा वो नाम देखिए, लालधारी साहेब, लालधारी जो है वो बहुत अच्छा किया है, जितेंद्र यादव देखिए, वो जो उनका स्टिफ एक स्टाइल है बॉडी का, वो रखने का वो किरदार उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। सो हमारे पूरी टीम ओवरऑल जितना थी वो सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आनंद जी, कब आपकी बबली हमसे मिलेगी, दर्शकों फैंस के बीच कब आएगी, मीडिया के सामने कब आएगी? बबली है, इतना आसानी से तो आ नहीं जाएगी, बबली है, बबली है, और इंडस्ट्री, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कोई यही पूछता है कि कब बबली, बबली आएगी, बबली स्टार, मतलब समझ लीजिए स्टार, हमारे लिए तो स्टार है, हमारे फिल्म के लिए है वो स्टार, और हमारे लिए स्टार है वो, जल्दी ही आएगी, स्टार इतना जल्दी नहीं आता। शुभम जी, कुछ सेट से जुड़ी कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के दौरान की? शूटिंग के समय तो ये था कि हद से ज़्यादा गर्मी थी, हमारी हालत ख़राब थी, लेकिन इसी दरमियान भी हम लोगों ने फिल्म को कम्प्लीट किए, एक अच्छी फिल्म बनी है। सेट पर बहुत कुछ होते रहता है, लेकिन आखिरी में यही होता है कि सिनेमा बना कैसा है, और मैं बहुत पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा सिनेमा बहुत अच्छा बना है। और आज मैं देख के, जब मैं डबिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाकई में ऐसी फिल्मों को, फिल्मों की ज़रूरत है भोजपुरी सिनेमा में, और वो फिल्म आनंद जी ने बनाई है। आनंद जी, कब तक रिलीजिंग की प्लानिंग है? अभी डबिंग के बाद प्लान हम बताएंगे आपको, अभी प्लान तो कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी मे बी अगस्त सोच रहे हैं हम लोग, डबिंग में जाएगा टाइम अभी थोड़ा सा। अभी एक ये हमारी रिलीज पर है, इसके बाद है बलमा डेरिंगबाज, ठीक है, और उसके बाद दो प्रोजेक्ट और हम लोग कर रहे हैं जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे ही वो अप्रूवल मिल जाएगा हम दो प्रोजेक्ट उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिलेक्टेड काम करते हैं, ऐसी फिल्में नहीं करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जो पूरा परिवार हमारा देख सके, और अच्छी सिनेमा बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, और दर्शकों ने उसके लिए हमें हर वक्त सराहा है। जी, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, जिसकी तलाश आप सभी को थी, जिक्र बारे में रुआ सोचत रहनी कि बढ़िया सिनेमा बने के चाहिए, और वो सिनेमा बन के रेडी बा, और जितना जल्दी हुई हमने ये सिनेमा सिनेमा घर तक पहुँचाने की कोशिश करम जा, और ये सिनेमा एक बहुत बढ़िया सिनेमा, बढ़िया म्यूज़िक बा, बढ़िया फिल्म बा, तो रुआ लोग से गुजारिश बा कि ऐसा सिनेमा रुआ हर वक्त पसंद के लिए बानी, और इसने सिनेमा के हमने के प्यार मिले के चाहिए, यही हमने के बस रवन से रिक्वेस्ट बा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.